राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया बजट, कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपए का किया ऐलान। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों से आज मिलेंगे पीएम मोदी, राम मंदिर निर्माण को लेकर होगी चर्चा, शाम करीब 5:30 बजे होगी मुलाकात। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आर्थिक मंदी को लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा, कहा मंदी शब्द को नहीं स्वीकारती मौजूदा सरकार, यही है आज की सबसे बड़ी समस्या। बिहार में भी आम आदमी पार्टी की हुई जयजयकार, पटना एयरपोर्ट पर लगे आप और केजरीवाल जिंदाबाद के नारे, आगामी चुनाव में मैदान में उतर सकती है आप। नीतीश कुमार के खिलाफ पीके का नया मोर्चा, आज लॉन्च करेंगे बात बिहार की कार्यक्रम, जेडीयू से विदाई के बाद नीतीश कुमार को लगातार घेर रहे हैं पीके। हरियाणा में जेजेपी के विधायक बढ़ा रहे सरकार की परेशानी, पार्टी एमएलए रामकुमार गौतम ने फिर दुष्यंत चौटाला को घेरा, कहा सीएम के बिस्तर के पास है भ्रष्टाचार का सांप। निर्भया के गुनहगारों का एक और पेश, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब चुनाव आयोग में अर्जी, दया याचिका को खारिज करने को बताया असंवैधानिक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पीएम मोदी ने अरुणाचल मिजोरम को स्थापना दिवस की दी बधाई, पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा भारत को मिजोरम की समृद्ध संस्कृति पर गर्व है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पंजाब के मुक्तसर में अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल से करेंगे मुलाकात, अमृतसर जाएंगे नड्डा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने किया शाह का स्वागत, राजधानी ईटानगर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। मध्य प्रदेश में अपनी मांगे पूरी नहीं होने से परेशान होकर अतिथि शिक्षिका ने मुंडवाया सिर, 72 दिनों के धरने के बाद भी राज्य सरकार ने नहीं मानी लोगों की मांग। जम्मू कश्मीर में जारी है सरकार की मनमानी, अब पीडीपी के एक और पूर्व विधायक पर भी लगाया गया पीएसए, उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती पर भी पीएसए के तहत हो चुकी है कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से पहले सांसद एमी बेरा का बड़ा बयान, मुस्लिमों की भी रक्षा करे भारत, कश्मीर में नेताओं को गिरफ्तार करने पर भी जताई चिंता। नहीं रहे कट कॉपी पेस्ट के जनक लॉरी टेस्लर, 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, जेरोक्स कंपनी में बिताया था काफी वक्त। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान का बयान, कहा झूठे और भ्रामक विज्ञापनों से सेलिब्रिटीज नहीं उत्पादनकर्ताओं पर कसेगा शिकंजा, 10 लाख तक का हो सकता है जुर्माना। 24 फरवरी को होगा देश का पहला 5G हैंडसेट लॉन्च, 50,000 रुपए होगी कीमत, रियलमी कंपनी लेकर आएगी हैंडसेट। रोहित शर्मा ने सोशल मीडिया पर दिए मैदान पर वापसी के संकेत, जिम का वीडियो किया शेयर, हरभजन ने ली रोहित शर्मा की चुटकी। वेब सीरीज में काम करने की बात पर आया युवराज सिंह का बयान, कहा खबरों में करें सुधार, छोटे भाई जोरावर सिंह कर रहे हैं वेब सीरीज में काम। अक्षय कुमार की आगामी फिल्म पृथ्वीराज चौहान में काम करेंगी मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, अक्षय के अपोजिट आएंगी नजर। साउथ की फिल्मों में डेब्यू करेंगी अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा के साथ आएंगी नजर, करण जौहर करेंगे फिल्म प्रोड्यूस।